नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। मऊ आगामी 24 नवंबर को ग्रेस प्लाजा में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम एग्जाम फैजी भाइयों के नाम को लेकर आज परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अध्यक्ष के साथ फौज के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सैनिकों का सम्मान एवं उनकी स्वीकारता समाज में और बढ़े, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों का लाभ समाज में आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो सके तथा बच्चे अपने आदर्श के रूप में ले सकें। परिषद के अध्यक्ष ने जिले के सभी पूर्व सैनिक भाइयों से आग्रह किया कि वह कार्यक्रम में उपस्थित होकर परिषद को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ, जैसा कि अभी हम लोगों ने न्यूज में एक पढ़ा था कि गुजरात के जैन साध्वी जो है उन्होंने डंडा उठाया, न्यूज ये थी, लेकिन जब उसके बारे में दिखाया तो ये दिखाया गया कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले एक जैन साध्वी को मतलब कुछ छेड़छाड़ किया गया था। तो उनके जो मुनि जो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारे जो फौजी भाई जो है इन चीज के अंदर महारत उनको हासिल है, ठीक है। तो उनकी इस क्वालिटी को भी हम अपना यूज कर सकते हैं कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किस तरह उनको यूज कर सकते हैं। एक चीज जो कि हम लोग हर कोई जानता है कि इन फौजी भाइयों को हम लोग के बॉडी के अंदर ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं कि जिनको यदि टच किया जाए और थोड़ा सा उस पर अटैक किया जाए तो कुछ समय के लिए वो सेंसलेस हो जाएगा, वो कुछ इनएक्टिव हो जाएगा या कुछ वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज उन लोगों को मालूम होती है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। अगर बच्चों को ये चीज़ मालूम चल जाए, लड़कियों को ये चीज़ मालूम अगर चल जाए, अगर वो कभी कोई आपसे मुसीबत में आए तो डेफिनेटली उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो, अटैक करके वो कुछ समय के उनको इनएक्टिव करके वो अपने आप को सेव कर सकते। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़। तब तक चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।